आम आदमी पार्टी के विशेष अभियान आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मॉडल टाउन विधानसभा के राजपुरा गुड़मंडी इलाके में सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान किसी ने पानी की समस्या तो किसी ने नालियों की समस्या तथा किसी ने गंदे पानी की समस्या बताई। समस्या बताए जाने के दौरान स्थानीय निवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी भी हो गई, परंतु विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने बड़ी ही सरलता और संयमता का परिचय देते हुए लोगों की बात को समझा और उनकी संतुष्टि करते हुए सभी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द करवाने की बात कही और इलाके में होने वाले विकास कार्यों के बारे में सभी को विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपने मन की बात सुनकर काम नहीं करती है, बल्कि जनता के मन की बात जानकर काम करती है। वहां उपस्थित लोगों ने भविष्य में उनके द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों की नीतियों से प्रभावित होकर उनका स्वागत सम्मान भी किया। इस दौरान उनके साथ कार्यक्रम के आयोजक बंसीधर त्रिपाठी और अनूप सिंह उर्फ मोनी के अलावा ईश अरोड़ा, राम अचल सिंह, विशाल पांडे, शमशेर सिंह मलिक, प्रकाश यादव, सुशील गर्ग, अमित चौहान, लीलू प्रधान, विकास गुप्ता, गौरव सेठ, गुरप्रीत सिंह राजा, मंगत राम, सुमन पाल, तरुण कुमार, कन्हैया चौधरी सहित अनेकों कार्यकर्ता और इलाके के लोग मौजूद रहे। अखिलेश जी, आपका विधायक आपके द्वार आज राजपुरा गुड़मंडी के द्वार पर है, आप तो आज यहाँ पर लोगों की समस्याएं भी काफी देखने को मिली, तो किस तरह से आज था? काफी समस्याएं तो नहीं थी, लेकिन यह है कि कभी कभी दलगत बातें आ जाती हैं, लेकिन मैं इस बात को बड़ा अपना आम आदमी पार्टी की और आदरणीय अरविंद केजरीवाल की जीत मानता हूँ कि उन्होंने राजनीति में एक नई प्रथा शुरू करी कि अब कोई भी पार्टी हो उसको जनता के अदालत में जाना है, और जब आप जनता के अदालत में जाएंगे तो आपको जवाबदेह भी बनना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। आज मैं ये बताने आया था यहाँ पर कि देश आज केवल एक व्यक्ति अपने मन से चलाने की कोशिश कर रहा है। महीने में एक बार अपने मन की बात कह के देने से देश का भला नहीं होगा। आज मैं कहने आया था कि एक व्यक्ति ने अपने मन की बात से देश चलाने की कोशिश की है, उसकी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में आप किस तरीके से इजाफा हुआ उसको देख रहे हैं, 100 रुपया 90 रुपया किस तरीके से पेट्रोल और डीजल हो गया, 1000 रुपये सिलेंडर होने जा रहा है, महिलाओं गृहणियों को दिक्कत हो रही है, रसोई पर तेल, जो रसोई का तेल सरसों का तेल और रिफाइंड तेल था वो 200 रुपया 225 रुपया बिकने को तैयार है, महंगाई का आग लग गया है। आज आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने मन की बात करने से देश में व्यापार में अभूतपूर्व गिरावट आया है। एक व्यक्ति के मन की बात से देश चल रहा है, इसलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट माइनस में चला गया, देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया। आज इस आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से बताने आया हूँ, आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने संदेश भेजा अपने मन की बात करने वाले लोगों तक कि देश जनता के मन की बातों से चलना चाहिए, और आज जनता के मन की बातों से देश दिल्ली को चला करके अरविंद केजरीवाल जी ने साबित कर दिया कि जनता की बात अगर सरकारों तक जाती है तो 8 साल लगातार हो जाता है बिजली के रेट 1 पैसे बढ़ते नहीं है दिल्ली में, जहाँ और प्रदेशों में 3 गुना ज्यादा बिजली का। समस्या यहाँ की कुछ ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से जब से लोकप्रिय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी को जनता ने यहाँ की चुनी है तो हमने काफी समस्याओं का हल भी किया है, लोग जानते भी हैं। विगत 1.5-2 साल से कुछ काम पेंडिंग है कोरोना काल की वजह से, तो भी काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। जनता ने अपनी समस्या बताई है, उसको हम लोग लिखे हैं, विधायक जी ने बाकायदे उसको एक्सेप्ट किया है, और 2-3 रोडों के काम जो है उसके लिए विधायक जी ने बोला कि 10-15 दिन के अंदर बनवाने का उसकी जिम्मेदारी ली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता हमेशा मेरा साथ देती रहेगी और विधायक जी ऐसे ही जनता के विधायक जी ने हमारी सारी समस्या सुनी है और उन पर उन्होंने मंथन के विचार किया है, और आने वाले समय में जो हमारी छोटी मोटी समस्या है, वैसे तो अधिकतर उन्होंने सारे काम यहाँ पर कराए चुके हैं हमारे एरिया में। पानी की भारी समस्या थी वो समाधान हो चुका है, सीवर लाइन की समस्या थी वो समाधान हो चुका है, रोड वगैरह बन चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि 1.5 साल से वो काम नहीं कर पा रहे थे कोरोना की वजह से, तो अब जो छोटे मोटे जो काम है रोड टूटे हुए हैं अब उनका बजट आया है तो कह रहे हैं वो काम सारा हम कराएंगे और समाधान करेंगे। आप स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, तो जो मूलभूत सुविधाएं जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की वो क्या हैं?
मूलभूत समस्या यहाँ की यही थी, पानी सीवर की सबसे बड़ी समस्या थी, और वो दोनों में ही समाधान किया है, बहुत अच्छा समाधान किया। पानी यहाँ पर अब 24 घंटे आता है, लेकिन थोड़ा पानी गंदा आ रहा है, वो एक समस्या। तो ये बता रहे हैं कि अब यहाँ पर एक मोटर वगैरह लगाएंगे, जिससे MCD का पानी जब आया गया तो पता चल जाएगा लोगों को, और फिर जैसे बंद होगा पानी तब वो मोटर दोबारा बच जाएगा। तो क्या हिसाब से अपनी मोटर वगैरह चला लें सारा काम, ये काम ये कह रहे हैं। माननीय मेरे छोटे भाई अनूप चौधरी ने अपने यहाँ पर माननीय विधायक जी को बुलाकर एक कार्यक्रम रखा गया, जिस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी, और इन्होंने अपने ही चिरपरिचित अंदाज के अंदर पूरे सबको सबका निवारण किया, और जो समस्याएं थी उनको कहा कि आप सब मिलकर अपनी भागीदारी से इस समस्या को निपटाओ, मैं हमेशा आपके लिए साथ रहूंगा। और ज़ोरदार तरीके से भाई अखिलेश पति त्रिपाठी का यहाँ साथियों ने स्वागत किया, तो हम धन्यवाद करते हैं श्री अखिलेश पति जी का, जो इन्होंने जनता के बीच में आकर हमारी समस्याएं सुनी और उनका निवारण किया। आज कुछ मतभेद भी रहे आपके बीच में कार्यकर्ता? मेरे वो मेरे उनसे पर्सनल मतभेद हैं, मैं अपने छोटे भाई की तरह उनसे बड़े अपने अंदाज में उनको डांट भी देता हूँ, और वो सुनते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, और फिर उसका निवारण भी करते हैं, क्योंकि दुख होता है इस चीज़ के लिए। अगर कोई मुझे आगे इनकी शिकायत करता है तो बड़ा दुख होता है। मैंने कहा इतना काम करने के बावजूद भी लोग इनकी बुराई कर रहे हैं, तो मैं इनकी बुराई इनके मुंह पे कर सकता हूँ, परंतु किसी से इनकी बुराई सुन नहीं सकता। आज जो है विधायक जी आपके द्वार आए हैं, इनको हमने राजपुरे की समस्याओं से अवगत कराया है, जो सड़कों की और नालियों की खरंजों की और जो समस्याएं थी यहाँ से हमने उनको बताया, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत ही जल्दी इनको सबको 10-15 दिन के अंदर बारिश ख़त्म होने के तुरंत बाद हम इनको ठीक करेंगे। हमने विधायक जी का धन्यवाद किया और सभी लोगों का धन्यवाद किया।